ये मेरा पांचवा अटैम्प्ट था, तीसरा इंटरव्यू था और सेकंड सिलेक्शन था। लास्ट ईयर मुझे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस एलोकेट हुआ था। रिजल्ट आने के बाद हम देखते हैं सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से 400 सिलेक्शन हुए हैं, हमारे यहाँ से 350। तो कई बार न्यू कमर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम कोचिंग करें। अभी पिछले कुछ 15-20 दिनों में मैंने न्यूज़ पेपर देखा, प्रीलिम्स से एक हफ्ता पहले, उसमें न्यूज़ आई कि एक एस्पिरेंट्स ने सुसाइड कर लिया उल्टा इंदर नगर में। इस प्रोसेस में जब टाइम ज़्यादा हो जाता है या फिर सक्सेसिव फेलियर्स मिलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, आइसोलेशन में रहना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गायब हो जाता है, सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि क्या मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं आऊँगा। हमारी सोसाइटी में आज भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए ना तो हम किसी को बताते हैं ना किसी शेयर करते हैं, और बताते भी हैं तो हो सकता है सामने वाला मजाक उड़ा ले कि ये तो पागल हो गया या फिर कुछ ऐसा। इस चक्कर में क्या होता है कि हम चीज़ों को छुपाने लगते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस प्रिपरेशन में आता है या जो मैंने भी फेस किया, वो ये था कि शुरुआत होती है कंपैरिजन से। हमारे किसी दोस्त ने क्लियर किया, हम भी प्रिपरेशन में आते हैं, किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया बहुत अच्छी उस रैंक से, हम उससे कंपेयर करते हैं, हमारे पेरेंट्स कई बार कंपेयर करते हैं, हमारे रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं। हमने यूट्यूब पे देखा कि एक टॉपर ने 6 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है। मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में 92 रैंक सिक्योर की है। ये मेरा पांचवा अटैम्प्ट था, तीसरा इंटरव्यू था और सेकंड सिलेक्शन था। लास्ट ईयर मुझे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस एलोकेट हुआ था। तो मेरे लिए जर्नी काफ़ी लंबी रही, लगभग 5 साल की। तो इस 5 साल की लंबी जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी बार लो फील किया, काफ़ी हाई फील किया, क्या मोटिवेशन था, आज मैं आप लोगों से वही सब शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि नॉलेज, GS पेपर, प्रीलिम्स पेपर, इंटरव्यू, बाकी चीज़ों के लिए बहुत कुछ हमें कंटेंट अवेलेबल हैं, बहुत लोगों की स्ट्रेटजी मिल जाती है, लेकिन जो एक ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता कि इनको एड्रेस कैसे किया जाए, या फिर क्या ये हमारे साथ ही हो रहा है या फिर ये कॉमन है, हर कोई इसी फेज से गुजरता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे TKT के थ्रू कि कैसे हम इन अप्स एंड डाउन्स को फेस कर सकते हैं, कैसे करते हैं और मैंने क्या किया इन्हें पार करने के लिए। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, खासकर मैं किन किन कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएट रहा। क्योंकि होता क्या है कि रिजल्ट आने के बाद हम देखते हैं सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से 400 सिलेक्शन हुए हैं, हमारे यहाँ से 350। तो कई बार न्यू कमर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम कोचिंग करें, और उस चक्कर में कई बार गलत जगह से कोचिंग करने की वजह से 1-2 साल वैसे निकल जाते हैं और बाकी की फिर 2-3 साल वो जो मेंटल बैकलॉग रहता है या फिर जो अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, उसकी वजह से हम एक इस बहुत ही विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो मैं अपनी अगर कोचिंग्स की बात करूँ तो मैं 2015 में IBM में काम करता था बेंगलोर में। मैंने तभी प्रिपरेशन शुरू की थी, थोड़ा थोड़ा टाइम जो भी वीकेंड्स में मिलता था, तब मैंने इनसाइट्स IAS की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, 16 में भी 17 में भी। 17 में मैंने जॉब से रिज़ाइन किया, मैं दिल्ली आ गया। उसके बाद मैं फोरम IAS से जुड़ा, जहाँ पे मेरी प्रीलिम्स, मेंस और जो भी इंटरव्यू की प्रोसेस थी, वो लगभग 2-3 साल से मैं वहाँ के टीचर से उनसे एसोसिएटेड रहा। फोरम के अलावा मैं ऑप्शनल के लिए, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैंने गाइडेंस IAS वहाँ से 500+ कोर्स किया। इसके अलावा मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रीलिम्स या मेंस के लिए नहीं जुड़ा था। इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में पहले 2 इंटरव्यू मेरे मार्क्स कम आए थे, तो इस बार मैं लगभग 10 इंस्टीट्यूट्स में मॉक इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ। लेकिन वहाँ पे मेरा जो एक तरह से उनसे जो भी जुड़ाव था, वो सिर्फ मॉक इंटरव्यूज तक था। काफ़ी जगह से हेल्प मिली, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, जैसे KSG से, इनसाइड में विनय सर से, KSG में खान सर से। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ मॉक्स के लिए, इसके अलावा मैं किसी भी कोचिंग से किसी भी तरह से मैं नहीं जुड़ा था और ना ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये तो बात रही मेरी प्रिपरेशन की। अब बात आती है अप्स एंड डाउन्स की। अभी पिछले कुछ 15-20 दिनों में मैंने न्यूज़पेपर देखा, प्रीलिम्स से एक हफ्ता पहले, उसमें न्यूज़ आई कि एक एस्पिरेंट्स ने सुसाइड कर लिया उल्टा इंदर नगर में। उसके बाद एक दिन फिर आया कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया।
उसके अलावा भी न्यूज़पेपर में कई बार आसपास देखता हूँ, अपने कुछ दोस्तों को देखता हूँ, तो देखता हूँ कि जो लोग काफ़ी चीयरफुल थे, काफ़ी पॉजिटिव थे, इस प्रोसेस में जब टाइम ज़्यादा हो जाता है या फिर सक्सेसिव फेलियर्स मिलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, आइसोलेशन में रहना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गायब हो जाता है, सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि क्या मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं आऊँगा, इरिटेट हो जाते हैं, हॉबीज़ वगैरह सब कुछ छोड़ के डिप्रेशन आ जाता है, एनजाइटी होने लगती है। इतनी सारी चीज़ें हैं इस प्रोसेस में जिससे हम सभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम रूबरू होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में आज भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए ना तो हम किसी को बताते हैं, ना किसी शेयर करते हैं, और अगर बताते भी हैं तो हो सकता है सामने वाला मजाक उड़ा ले कि ये तो पागल हो गया या फिर कुछ ऐसा। इस चक्कर में क्या होता है कि हम चीज़ों को छुपाने लगते हैं, छुपाने की वजह से कई बार हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, और कुछ इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स भी लोग ले लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सुसाइड जैसा एक एक्सट्रीम स्टेप भी लोग ले लेते हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे इन अप्स एंड डाउन्स की और जो इश्यूज हम फेस करते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस प्रिपरेशन में आता है या जो मैंने भी फेस किया, वो ये था कि शुरुआत होती है कंपैरिजन से। हमारे किसी दोस्त ने क्लियर किया, हम भी प्रिपरेशन में आते हैं, किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया बहुत अच्छी उस रैंक से, हम उससे कंपेयर करते हैं, हमारे पेरेंट्स कई बार कंपेयर करते हैं, हमारे रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन से क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और कंपैरिजन भी हम तब करते हैं जब हम उस इंसान के बारे में पूरी बात नहीं जानते। हमने यूट्यूब पर देखा कि एक टॉपर ने 6 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, मे बी जिसने कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, नहीं पता। हमने इतना पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक 21 साल के जो एस्पिरेंट था उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक आई, अब हमें लगता है कि यार 21 साल में उसने निकाल दिया, हमें 28 साल के हो गए, हम कर ही रहे हैं, नहीं निकल रहा है, हम कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उसका कंटेक्स्ट क्या है। जो इंसान पहले अटेम्प्ट में निकाल रहा है, क्या आपको उसका बैकग्राउंड मालूम है? हो सकता है उसने स्कूल टाइम से वो क्लियर रहा हो सिविल सर्विस के बारे में, ग्रेजुएशन के साथ उसने 2 साल प्रिपेयर की हो, ग्रेजुएशन के बाद उसने 1 या 2 साल तैयारी की हो, फिर उसने पहला अटैम्प्ट दिया हो, उसका क्लियर हो गया। जिसके अटैम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, जिसके 6 अटैम्प्ट हुए, हो सकता है उसने पहली बार ऐसे ही दे दिया, कोई बताने वाला नहीं था, दूसरी बार फिर गलती कर दी, तीसरी बार अंडर कॉन्फिडेंट था, चौथी बार फिर से अंडर कॉन्फिडेंट था, नहीं हो पाया। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले प्लीज़ उसे पर्सनलाइज करिए, कंपेयर मत करिए। हम सभी की पर्सनैलिटी यूनिक है, हम सब यूनिक है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, कंपैरिजन मत कीजिए। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट ऐसे आ जाता है, हम स्कूल में बहुत अच्छे थे, कॉलेज में बहुत अच्छे थे, या फिर हम जो मॉक टेस्ट पेपर लगाते थे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, लेकिन अचानक से पेपर देने गए, पेपर में हम नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जॉब छोड़ के गलती कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस प्रिपरेशन में फंसा रह जाऊँ, मेरा प्रिपेयर ही ना हो। सेल्फ डाउट किया, मुझसे तो प्री नहीं निकलेगा, मुझसे तो मेंस नहीं निकलेगा, मुझसे तो इंटरव्यू निकलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि UPSC इज टोटली अ न्यू गेम, कोई भी कहीं से भी किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई भी कर सकता है, और हो सकता है जो पहले टॉपर रहा हो, जिसने अंडर 100 में IIT क्लियर किया, उसका भी ना हो। रीज़न ये, किसी का बैकग्राउंड अच्छा है एकेडमिकली, उसके पास एक एडवांटेज ये है कि उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, वो 12 घंटे बैठ के पढ़ सकता है। आपने पहले नहीं लगाए तो आपको अब लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं हो, यहाँ पे आप लोगों को नई चीज़ें पढ़नी है। किसी का बैकग्राउंड अगर रहा है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वही रहा जो ऑप्शन, उसके पास एडवांटेज है, लेकिन आप भी तो डिसएडवांटेज नहीं हो, आप भी कर सकते हो, किसी भी तरह का सेल्फ डाउट मत रखें। तीसरी चीज़ होती है, कुछ डे टू डे लाइफ में स्ट्रेसेस आते हैं, किसी का बैकग्राउंड वीक है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, हर तरह के फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं कि बहुत अच्छे घर से हैं, 10 साल भी अगर बैठ के प्रिपेयर करें तो भी कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हैंड टू माउथ सिचुएशन है। हम अक्सर ऐसे टॉपर्स की स्ट्रेटजी भी पढ़ते हैं, उनकी स्टोरीज भी पढ़ते हैं कि कैसे इतने सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हुए भी उन्होंने क्लियर किया। कुछ लोग इमोशनली काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी घर में किसी को कुछ हुआ है, कोविड में हमने देखा किसी घर में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई। इन सब चीज़ों के बावजूद होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं, डे टू डे लाइफ में फ़ोन आया घर से या कुछ चीज़ आई, तो अचानक से काफ़ी लो फील करते हैं, समझ नहीं आता कि अब क्या करें, अगर ना हुआ तो क्या होगा। अब इस एंजाइटी, इस प्रॉब्लम की वजह से एक चेन बन जाती है कि कई बार क्या होता है कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले कोई बात हमें पता चली, एकदम से कॉन्फिडेंस लो हो गया, हमने सोचना शुरू किया, और जो हम 6-7 घंटे पढ़ पा रहे थे, हम घट के 1 घंटे पर आ गए।
ये बहुत कॉमन है, सभी के साथ लगभग होता है। अब ज़रूरी ये है कि इसे टैकल कैसे किया जाए। सबके साथ प्रॉब्लम आती है, हमें कई बार लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, लेकिन अगर हम चार लोगों से बात करें तो हर किसी के साथ उनकी एक अपनी यूनिक प्रॉब्लम है। अगर आप पास्ट ईयर के कुछ कैंडिडेट्स की बात करें, बहुत सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड की बात कर रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड ऐसे हैं कि कोई मैम है जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक लेके आई, मैरिड थी, बच्चे भी थे, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के होते हुए भी 30s में भी अच्छी रैंक हासिल की। कुछ लोग थे कि फाइनेंशियली बहुत वीक थे, तब भी उन्होंने रैंक ली। कुछ थे कि लास्ट टर्म में क्लियर किया। बहुत सारे चैलेंजेस होते हुए भी लोग क्लियर करते हैं। तो फ़र्क ये नहीं है कि उनके पास प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पास प्रॉब्लम है, फ़र्क ये है कि उन्होंने प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया। अगर मेरी बात की जाए, प्रीलिम्स में पहली दो बार में गाइडेंस थोड़ी सी नहीं थी या गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, हल्की सी निगेटिविटी आई। फॉर्चुनेटली 2017 से मेरे आसपास का जो मतलब कुछ लोग थे या कुछ आदतें थी जो मैंने डे टू डे लाइफ में शुरू की, उन चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प की। और कभी भी 17 से लेके आज 2021 से कभी कोई निगेटिविटी नहीं आई, हमेशा पॉजिटिव रहा। इसीलिए हर बार मार्क्स भी इम्प्रूव हुए, सर्विस भी इम्प्रूव हुई और चीज़ें भी फाइनली सही हो गई। मेरे लिए क्या चीज़ काम की? पहली चीज़ तो पीपल मेरे आसपास, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरी दो बड़ी बहनें, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम या कुछ ऐसा नहीं कहा। एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस जो मुझे लेके उनके मन में था, उसने मुझे भी मोटिवेट किया। दूसरा, मेरे दोस्त। इस प्रोसेस में हम लोगों के बहुत गिने चुने दोस्त रह जाते हैं, मेरे भी गिने चुने दोस्त थे, प्रभात, विभोर, अनमोल, राहुल, ऐश्वर्या, लेकिन ये ऐसे दोस्त थे कि ये पूरी प्रोसेस में साथ थे, हमेशा मोटिवेशन मिला। दूसरी चीज़ थी कि कुछ हैबिट्स, हैबिट्स की बात करूँ तो हैबिट्स मैंने 3-4 हैबिट्स इस प्रिपरेशन में शुरू की, जिसने अप्स डाउन्स इन सब में एक लेवल मेंटेन करने में हेल्प की, वो कभी निगेटिविटी नहीं आने दी। पहली हैबिट थी डायरी राइटिंग की। 2017 में मुझे किसी ने बताया कि डायरी राइटिंग किया करो, इससे इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं, इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है, इसका सॉल्यूशन मुझे कैसे फाइंड करना है, और हाँ, मैं कर सकता हूँ। अब उसके लिए मैं क्या करता था कि दिन में लगभग 40 से 45 मिनट अपने आप को देता था। अपने आप को कैसे देता था? मैं जब शुरू करता था अपना दिन, मैं सबसे पहला काम करता था कि कोई भी एक बुक पढ़ता था। बुक इन द सेंस, मैं बेसिकली स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था, उसका एक चैप्टर, एक पेज। जैसे मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ, मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग भी पढ़िए अगर टाइम मिले तो, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी जो है, उसके अलावा पंडित श्री राम शर्माचार्य, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, और भी बहुत सारी बुक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी बुक है। अब क्या करता था मैं, सुबह उठा, इसका एक चैप्टर पढ़ा, ये एक पेज पढ़ा। वो पढ़ने का मेरा कोई नॉलेज गैदर करने का या फिर कुछ और पर्पज़ नहीं था। पर्पज़ ये था कि इन सभी बुक्स में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जब आप अपनी दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं, तो वो थॉट पूरे दिन आपके साथ रहता है, आप निगेटिव नहीं होते। आप उठे, आप घबरा गए कि आज तो मैंने ये नहीं किया, यार ये क्या था, सुबह से मूड ख़राब हो गया, निगेटिव हो गया। दिन में कोई भी प्रॉब्लम आए, घर से फ़ोन आया, कुछ हुआ, टेस्ट में नंबर कम है, आप पैनिक कर जाओगे। शुरुआत दिन की अच्छी होनी चाहिए, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दिन पूरा चला। अब दिन में कोशिश करता था कि सर्किल बहुत लिमिट किया था, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था, खासकर ऐसे नेगेटिव लोगों से जो आपको ही सेल्फ डाउट क्रिएट कर दें कि होगा भी कि नहीं होगा, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और दिन की जो एंडिंग में करता था, उसमें भी मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करता था। वो कैसे? मैं 10 से 15 मिनट डायरी लिखता था। डायरी में क्या लिखता था? हो सकता है मैं शाम को जब मैं सोने गया उससे पहले, मैं परेशान हूँ किसी चीज़ को लेकर, परेशान हो सकता है मेरे मार्क्स कम आए हैं, या कोई चीज़ मुझे हॉन्ट कर रही है, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा, किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं उस चीज़ को डायरी पे लिखता था। क्योंकि डायरी हमें जज नहीं करती, हम क्लियरली उस पे लिख सकते हैं। फिर जब एक बार हमने अपनी प्रॉब्लम डायरी पे लिख दी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ गई कि ये बात है मुझे परेशान कर रही है। एक बार हमें पता चल गई प्रॉब्लम क्या है, हमने रिकॉग्नाइज़ किया, हमने एक्सेप्ट किया, तो हमारी जनरल टेंडेंसी है कि हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। अच्छा, मेरे मार्क्स कम आए, इसका मतलब मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, मैं करूँगा, तो आपका एकदम से आप पॉजिटिव हो जाते हो। इतना हुआ तो आप रिलैक्स हो गए, आपकी जो दिन भर का बैगेज था, जो भी प्रॉब्लम थी, आपने उसमें लिख दिया। कई बार कुछ आपको बात पता चली, यार नहीं हुआ तो क्या होगा, जब आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि अभी मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है,
अब अगर हाँ मैंने प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि जो मैं कर सकता था वो भी ना कर पाऊँ। अब आपने ये चीज़ें लिख ली, आपको पता चल गई, आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो गई। क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता चलता हम परेशान क्यों हैं, बस भागे जा रहे हैं। एक टाइम पे वो बस्ट आउट होगी और हम फिर कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। डायरी राइटिंग की, उसके बाद सोने से पहले मैं मेडिटेशन करता था 15 से 20 मिनट। मेडिटेशन से क्या होता है कि यू ट्राई टू कनेक्ट विद अ सुपरनेचुरल एंटिटी। हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई नेचर बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई आत्मा बोलता है, कुछ भी कह लीजिए आप। बेसिकली उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमें अपनी रियल आइडेंटिटी का पता चलता है कि मतलब फालतू में इतने परेशान हो रखे हैं, जो कंट्रोल करने वाला है जो हमारी आइडेंटिटी वो कुछ और ही है, आप भी की भी कुछ हॉबी हो सकती है। तीसरी चीज़ जो मुझे हेल्प की वो थी कुछ मेंटर समझ लीजिए या फिर कुछ गाइड समझ लीजिए, गुरु समझ लीजिए, कुछ ऐसे लोगों का साथ। ऐसे मेरे भी हैं जो 2017 से कुछ भी होता था मैं उनसे बात करता था। अब ये तो बात हुई कि मेरे लिए क्या काम किया। अब दूसरी चीज़ आती है कि ठीक है प्रॉब्लम आ गई, अब क्या सारी प्रॉब्लम इतना करने से, क्योंकि कहना आसान है कि भाई आप बैठ के मेडिटेशन कर लो, आप डायरी लिख लो, ये आदमी परेशान होते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या था कि कुछ लेवल्स मैंने तैयार किए हुए थे। जैसे मैं नॉर्मल डेज पे सुबह उठ के एक चैप्टर बुक्स का पढ़ूंगा, 5 मिनट लगेगी, दिन भर करूंगा, शाम को ये 2 चीज़ें करूंगा। ये हुआ कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ। अब अचानक से कोई स्ट्रेस हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये तीनों काम भी नहीं कर पाया, माइंड नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उस टाइम पर क्या करूँगा, कुछ टाइम अकेला हो जाऊँगा या कुछ ऐसी चीज़ करूँगा जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम साथ में दोस्त रहते थे, कई बार कुछ ऐसा हुआ कि टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम आ रहा है, शाम को हम रामकृष्ण मिशन चले गए। प्रेयर होती है अराउंड 6:20, बहुत अच्छी होती है। 20-25 मिनट वहाँ बैठे, 15 मिनट आने की, 15 मिनट जाने की, 40 मिनट गए, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस आए, आके वापस पढ़ने बैठ गए। कई बार क्या है कि ये भी काम नहीं किया, अब क्या करें। उसके लिए है कि कुछ लोग आपके आसपास हों, चाहे वो एक दोस्त हो, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, कोई भी हो। मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास में मेरा परिवार भी, मेरे दोस्त भी कम है लेकिन ऐसे हैं, और एक गुरु भी हैं। तो आप भी कुछ ऐसे एटलीस्ट एक इंसान होगा, आप उसे बता दीजिए कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि यार प्रीलिम्स कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, सिलेबस भी नहीं हो। होता क्या है कि जब आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, आप हल्का फील करते हैं। जब आप हल्का फील करते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब आप सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आपके एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मैं कर लूँगा। आप भी ऐसे ही करिए। अब होता क्या है कई बार कि हम किसी को बताते नहीं हैं, बहुत सारी वजह से हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते। सुबह उठे, लाइब्रेरी चले गए, पढ़े, दोपहर को आ गए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, टेंशन हो रखी है, आए सो गए, सोने के बाद फिर मन नहीं किया, मूवी देख ली, मूवी देखने के बाद फिर सो गए। अब होता क्या है ना, ये एस्केप वाला मोड है, हम प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, भागते रहते हैं भागते रहते हैं। एक टाइम पे आके वो इतनी हैवी हो जाती है कि मैंने कहीं अपने ऐसे दोस्त देखे हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहती है, एग्ज़ाम में जाके कहीं ना कहीं वहाँ पे पैनिक कर जाते हैं। नॉलेज थी, सब कुछ था, वहाँ पे पैनिक कर गए। ये नहीं करना है, क्योंकि आपको नॉलेज के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लास्ट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि UPSC को लाइफ मत बनाइए। UPSC हम आए हैं, हमें कुछ करना है देश के लिए, लेकिन UPSC सब कुछ नहीं है। कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या देश में, दुनिया में जो भी अच्छे काम कर रहे हैं लोग, वो सब UPSC वाले लोग कर रहे हैं? कितनी सीट्स हैं, कितने लोग आ रहे हैं, वो क्या सिर्फ उसमें नॉलेज ही मैटर करती है? बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर में काम करती है। आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट लगाइए, कंपेयर मत करिए, सेल्फ डाउट मत रखिए, लेकिन प्लीज़ UPSC में अगर आपका नहीं हो पा रहा है, कुछ भी गलत हो रही है, प्लीज़ कोई भी एक्सट्रीम स्टेप, खासकर सुसाइड जैसा कुछ निगेटिव हार्म मत पहुँचाइए। आप ये सोचिए कि आप कुछ सालों की फेलियर की वजह से इतना एक्सट्रीम ले लेते हैं। अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, जिन्होंने आपके 20-30 साल आपके ऊपर लगा दिए इतनी होप के साथ में, उनके लिए तो आप वही रहोगे जो पहले थे, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, दुनिया के लिए बदल सकते हो। ऐसी दुनिया जिसके लिए आप पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, सिलेक्शन होने के बाद एग्जिस्ट कर रहे हो, उसकी सोच सोच के क्यों परेशान होना है? बहस दीजिए, नहीं होगा तो आप कुछ अच्छा कर लेंगे। आप कभी जो भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण जिन लोगों को दिया जाता है उनकी स्टोरी पढ़िए,
इतना अच्छा काम करते हैं, उतना अच्छा हमारे सिविल सर्वेंट भी नहीं कर पाते। लेकिन क्या वो सभी सिविल सर्वेंट हैं? एक नॉर्मल आदमी होते हुए भी अपने फील्ड का काम करते हुए उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेहनत करिए, लेकिन इस प्रिपरेशन को एक एग्ज़ाम की तरह लीजिए। नॉलेज के साथ साथ अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। और प्लीज़ डे टू डे लाइफ में कुछ टाइम अपने लिए भी रखिए, ये सोचने के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये सोचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और मोटिवेट होने के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स भी पालिए। DKT के माध्यम से मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू। मैं होप करूँगा कि आप अच्छी हेल्थ में रहे और नई नई सक्सेस आपको मिले। थैंक यू।